और क्या में पाकिस्तान से पहले से ये मस्जिद कायम है। मुल्तान में मौजूद चंद ऐसी तारीखी मसाजिद जिनकी बुनियाद कयाम पाकिस्तान से पहले रखी गई थी। इन्हीं मसाजिद में से एक मस्जिद जिसका आज हम दौरा करने आए हैं, मस्जिद उल फिरदौस के नाम से जानी जाती है। मस्जिद ने जेर तालीम तालिब इल्म सालाना होने वाले इंटरनेशनल मुकाबला जो जीत कर आते हैं, ना सिर्फ मुल्तान का बल्कि पाकिस्तान का नाम रोशन करते हैं। कहते हैं कि कबल में ये मस्जिद रशीदाबाद चौक का अहाता किए हुए थी, लेकिन ट्रांसपोर्ट के इशू की वजह से इसको शहीद किया गया था और दोबारा बनाया गया। तो आइए चलते हैं, मस्जिद का दौरा करते हैं और बानी मोहतमम कारी खादिम हुसैन सईदी साहब से इस मस्जिद की तारीख के बारे में जानते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम अल्लामा कारी खादिम हुसैन सईदी। मैं इस मस्जिद के अंदर गुज़श्ता तकरीबन 45 से 46 साल से खिदमत गुजार हूँ। मैं 1978 के अवाइल में यहाँ बहसियत तालिब इल्म के और नायब इमाम के हाजिर हुआ था। उस वक्त मैं जामिया अनवार उलूम कचेरी रोड मुल्तान, जिसके बानी ज़ैगम इस्लाम अल्लामा सैयद अहमद सईद काज़मी नव्वरल्लाहु मरकदहू थे, और वहाँ मैं तालीम हासिल करता था। और उस वक्त वो मस्जिद जामे मस्जिद अल फिरदौस के नाम से मशहूर थी, लेकिन बहुत छोटी थी और क़याम पाकिस्तान से पहले से ये मस्जिद कायम है। उसके बाद फिर तौसी हुई फ़कीर के इस जगह क़ियाम के बाद, फिर ये फ्लाई ओवर बना तो मस्जिद शहीद हुई, फिर इस मस्जिद को असर नौ तामीर किया गया। इसके उस वक्त मुतवल्ली थे मलिक अब्दुल हक मरहूम, अल्लाह गरी के रहमत फरमाए, इंतहाई नेक सीरत और इंतहाई मुखलिस दोस्त थे। और रशीदाबाद के तमाम दोस्त जो मस्जिद की इंतज़ामिया से मुतालिक थे, बड़े पुरखलूस अंदाज से दीन की खिदमत करने वाले थे। और अल्हम्दुलिल्लाह उसी का नतीजा है कि आज ये जामिया सईदिया उस्मानिया तालीमुल कुरान के नाम से इस मस्जिद के अंदर जो मुल्हिक मदरसा था, मुल्तान के मदारिस में एक मुमताज़ और जुदागाना तालीमी हवाले से नाम रखता है। और इसमें हिफ्ज़ कुरान, नाजरा, तजवीद व किरत की तालीम दी जाती है। इस वक्त मदरसे के अंदर तलबा की तदाद 225 के लगभग है, और 6 असातिज़ा किराम कुरान मजीद की तालीमी खिदमात सर अंजाम दे रहे हैं, और दीगर अमला मिला के तकरीबन कोई 11 बंदे मस्जिद और मदरसे की खिदमत करने वाले हैं। तमाम तर अखराजात ये रशीदाबाद चौक के लोग अपनी मदद आपके तहत पूरे करते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त करम फरमाए। ये तारीख़ी मस्जिद है मुल्तान के हवाले से। अल्हम्दुलिल्लाह आपने ख़ुद मुलाजा किया कि मीनार देखें और सब्ज़ गुंबद का नक्शा देखें, और ये इंतहाई हुस्न ख़ूबी के साथ जहाँ एक हसीन नज़ारा पेश करता है, वहाँ इसकी तारीख़ी अहमियत से भी इनकार नहीं किया जा सकता। वो भी इंतहाई अहमियत की हामिल है। और इसकी खिदमत के हवाले से मैं अपने मुंह से ज़ुबान से क्या कहूँ, ये तो लोग बेहतर समझते हैं और जान सकते हैं। किसी से भी पूछ लिया जाए कि मस्जिद अल फिरदौस के अंदर जो मदरसा कायम है उसकी खिदमत क्या हैं, तो वो इंशाल्लाह आपको अच्छे अल्फाज में बताएंगे। और साथ ही साथ इसी मस्जिद के अंदर रहते हुए मुल्हिका कॉलोनी है, खुशहाल कॉलोनी, ये खानवाल रोड पर है, चौक कुमारा वाला की जानब जाते हुए अली अस्पताल के बिलमुकाबिल दाएं हाथ, वहाँ तालिबात की दरसगाह है जामिया सईदिया लिल बनात के नाम से। अल्हम्दुलिल्लाह जुनूबी पंजाब में जमात अहले सुन्नत पाकिस्तान की ये पहली दरसगाह है तालिबात के हवाले से। और इस वक्त वहाँ तकरीबन कोई 450 तालिबात ज़ेर तालीम हैं। वहाँ कुरान मजीद,
नाजरा हिफ्स तजवीद किरत और दर्श निज़ामी के चारों दराजात यानी एमए इस्लामिया तो अरबी तक की तालीम दी जाती है, साथ साथ कंप्यूटर की तालीम भी है और दस्तकारी का सिलसिला भी वहाँ है और हॉस्टल भी है। और वो मदरसे की जगह कम वेश 23 मरले ख़त्ते अराजी पर मौजूद है और वो दो मंजिला इमारत है, इंतहाई दीदाज़ेब और ख़ूबसूरत मंजिल है अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त करम फरमाए दीनी मदारिस और मस्जिद को ताकियाम क़ियामत आबाद रखे और इन मसाजिद व मदारिस को आबाद करने वाले और इनकी सरपरस्ती करने वाले लोगों को दीन दुनिया और आखिरत की भलाइयाँ नसीब फरमाए। मैं शुक्रगुजार हूँ न्यूज़ 10 चैनल का कि ये आए और मुझसे दो चार मिनट की बात और गुफ्तगू फरमाई। अल्लाह ताला हम सब का हामी व नासिर हो। अल्हम्दुलिल्लाह इस मस्जिद मदरसे को ये एजाज़ हासिल है कि गवर्नमेंट ऑफ पंजाब महकमे औकाफ के ज़ेर एहतमाम हिफ्स तजवीद किरात और नात खानी के मुकाबला जात होते हैं, तो उन मुकाबला जात में हमारी दोनों दरसगाहों के तलबा और तालिबात ज़िली सतह पर डिवीज़न और सूबाई सतह पर मुकाबले में हिस्सा लेते हैं। और ये इन दोनों मदारिस को एजाज़ हासिल है कि इस मदरसे का एक तालिब इल्म मोहम्मद सुहेल के नाम से वो बैनुल अक्वामी मुकाबले हिफ्स में लीबिया में शिरकत करके आया है। पहले ज़िला, फिर डिवीज़न, फिर सूबा और फिर मुल्क टॉप किया, तो फिर गवर्नमेंट जो बैरून मुमालिक मुकाबला जात होते हैं बैनुल अक्वामी इंटरनेशनल, तो वहाँ की जो सल्तनत के फरमा रवारान हैं वो बुलाते हैं, तो ये सारे अखराजात भी वो दूसरी गवर्नमेंट बर्दाश्त करती है। और इसी तरह 5 तालिबात हमारी मुख्तलिफ वक्फों में, 2010 में एक बेटी गई थी, 2010 में ही एक बेटा गया था, और उसके बाद 2018 में एक बेटी गई थी, और फिर उसके बाद 2023 में एक बेटा मराको गया था। मुझे भी 2 बेटियों के साथ और 2 बच्चों के साथ बैरून मुल्क जाने का इत्तेफाक़ हुआ, लीबिया भी गया, मराको भी और उर्दन भी ये तलबा और तालिबात के साथ मुझे भी बहसियत मुआविन के और निगरान के ले जाया गया। ये हमारे मदरसे का एजाज़ है अल्हम्दुलिल्लाह। और मुल्तान के अंदर एक मकाम और जुदा गाना ममताज़ नाम रखता है। बहुत बहुत शुक्रिया सर जी के।